स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरु जी के एक फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरे एप्लीकेशंस के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लोगों ने एक्सरे मशीन को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक्सरे करवाया होगा, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरे मशीन ही एक्सरे की एक एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एक्सरे की बहुत सारी एप्लीकेशंस है मेडिकल फील्ड में। तो वही एप्लीकेशंस के बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, पहला होगा डायग्नोस्टिक पार्ट एंड दूसरा होगा थेरेपेटिक पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोस्टिक पार्ट के बारे में। अब सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है नॉर्मल एक्सरे मशीन, जो मोस्टली आपने देखा होगा और उसमें आपने एक्सरे करवाया भी होगा। ये जो मशीन है वो दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पहला होता है एनालॉग मशीन, जिसमें कैसेट से स्कैनिंग होती है, फिर कैसेट को स्कैन किया जाता है। दूसरा होता है डिजिटल एक्सरे मशीन, जिसमें इमेज जो है वो डायरेक्टली कैप्चर हो जाती है। ये हो गई सबसे पहली एप्लीकेशन, जो बहुत ही बेसिक है और लोगों को इसके बारे में पता होता है। दूसरी एप्लीकेशन है डेंटल एक्सरे। अब डेंटल में भी एक्सरे मशीन होता है, जो बहुत ही लो एनर्जी मशीन होता है। वो होता तो एक्सरे मशीन ही है, लेकिन बहुत ही लो एनर्जी एक्सरे मशीन है। आप सोचिए, अगर आप नॉर्मल एक्सरे करवा रहे हो चेस्ट का, तो एरिया कितना बड़ा है, उसमें सॉफ्ट टिश्यूज भी होंगे, तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डेंटल एक्सरे में उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो वो जो होता है बहुत ही लो एनर्जी एक्सरे मशीन होता है। तीसरी एप्लीकेशन यहाँ पे सिटी स्कैन मशीन है। अब सिटी स्कैन के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन सिटी स्कैन मशीन भी एक एक्सरे मशीन ही है। अब आपको ज्यादा जानना है सिटी स्कैन मशीन के बारे में, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पब्लिश किया है कि सिटी स्कैन मशीन क्या है, सिटी स्कैन मशीन कैसे काम करता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन सिटी स्कैन मशीन भी एक एक्सरे मशीन ही है, जो एक्सरे की लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए बना हुआ है। कुछ केस में ऐसा होता है कि 3D इमेज चाहिए, तो वो सिटी स्कैन ही प्रोवाइड कर सकता है। एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए किसी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट करवानी है, तो उस केस में 3D इमेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि एंगल कौन सा है, किस साइज का जो नी रिप्लेसमेंट बॉल होगा वो लगेगा, वो सारी चीज जो है वो सिटी स्कैन करने के बाद ही पता चलती है। तो उस केस में सिटी स्कैन होता है। जहां पे ये सिटी स्कैन थर्ड एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी फोर्थ एप्लीकेशन है। अब मैमोग्राफी भी एक एक्सरे मशीन ही है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, तो फिर एक्सरे ही क्यों यूज नहीं होता है? दोस्तों, मैमोग्राफी की जो मेन फंक्शन है वो है ब्रेस्ट स्कैनिंग, जिसमें बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज होता है। तो वो डैमेज ना हो जाए, उसके लिए जो मैमोग्राफी मशीन है वो लो एनर्जी एक्सरे पे काम करता है। अगर आपको ज्यादा जानना है मैमोग्राफी के बारे में, तो उसके बारे में भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद आता है कैथ लैब। आपने एंजियोग्राफी का नाम तो सुना होगा, तो एंजियोग्राफी करने के लिए जो मशीन यूज होता है वो है कैथ लैब। तो कैथ लैब भी एक एक्सरे मशीन है। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के बारे में ज्यादा जानना है, तो भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद आता है सिया। अब यहां पे ये मशीन के बारे में लोगों ने कम ही सुना होता है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं ये मशीन का फंक्शन। मान लीजिए एक हड्डी टूट गई है और उसका एंगल भी डिफ्लेक्ट हो गया है, तो एक्सरे से पता चल जाएगा कि हड्डी टूटी है, उसका एंगल भी डिफ्लेक्ट हो गया है। लेकिन जब वो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाएगा ऑपरेशन के लिए, तब डॉक्टर को सिर्फ वो एक्सरे देख के पता नहीं चलता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, वो पता नहीं चलता है, तब ये मशीन काम आता है। इसका नाम है सियाम। अब ये भी एक एक्सरे मशीन ही है। ये यहां पे जब एक्सपोजर होता है तो लाइव इमेज दिखती है मॉनिटर पे। तो मान लीजिए डॉक्टर कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने बोन को एडजस्ट किया, तो फिर एक्सपोजर देते हैं, तो डिस्प्ले पे उसकी इमेज दिखती है, तो पता चलता है कि नहीं, ये ठीक है या नहीं। अगर नहीं होता है तो वो फिर से एडजस्ट करते हैं उसको। तो यहां पे ये जो है सियाम है। मोस्टली ये मशीन ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता ही होता है। तो दोस्तों, ये सारी एप्लीकेशन हो गई डायग्नोस्टिक फील्ड के बारे में। ऐसा नहीं है कि एक्सरे सिर्फ डायग्नोस्टिक फील्ड में यूज होता है, एक्सरे से थेरेपी भी दी जाती है। सही सुना दोस्तों आपने, एक्सरे से थेरेपी भी दी जाती है। एक्सरे यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। अब दोस्तों, कैंसर ट्रीटमेंट तीन तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहला जो है वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, देन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। अब सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में कोई और वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एक मशीन होता है जिसका नाम है लीनियर एक्सेलरेटर। अब ये जो मशीन है वो एक एक्सरे मशीन ही है। अब एक सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा ये मशीन का प्रिंसिपल। मान लीजिए कि ये कोई कैंसर ट्यूमर है,
जस्ट अज्यूम कीजिए, अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हो तो ये ट्यूमर जो है वो बॉडी में कोई एक पार्ट में है, तो वो जो कीमोथेरेपी का एंटी कैंसर ड्रग होगा वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। लेकिन रेडिएशन थेरेपी में ये जो ट्यूमर होता है उसका 3D इमेज बन जाता है और उस पे हाई एनर्जी एक्सरे को टारगेट किया जाता है, और वो जो मशीन होता है 360 डिग्री रोटेट होता है, तो हर एक एंगल से ये ट्यूमर पे हाई एनर्जी एक्सरे टारगेट होता है। तो होता क्या है, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो धीरे 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 उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और धीरे 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 ट्यूमर की साइज जो है वो कम हो जाती है। तो आप सोचिए ये जो मेथड है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप उसे कंपेयर करें कीमोथेरेपी से। हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि रेडिएशन थेरेपी के बाद भी पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि आप कीमोथेरेपी ले, लेकिन ये जो मेथड है कैंसर ट्रीटमेंट की वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप भी सोचिए कि कैंसर ट्यूमर पे ही सिर्फ एक्सरे पार्टिकल जाएंगे तो बाकी के जो सराउंडिंग डिजीज उनको उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको पता ही है कि कीमोथेरेपी में हेयरफॉल हो जाता है क्योंकि जो कीमोथेरेपी का ड्रग होता है वो रैपिड ग्रोथ सेल को अफेक्ट करता है, तो उसमें हेयर सेल भी है तो इसलिए हेयर फॉल हो जाता है। लेकिन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की इतने ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिमेरिट्स नहीं है। तो दोस्तों एक्सरे जो है वो थेरेपेटिक फील्ड में भी यूज होता है, तो लोगों को एक्सरे के एप्लीकेशंस के बारे में इतना पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों मैंने आपको बताया एक्सरे की डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस के बारे में एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन के बारे में, तो ये सारी चीज हो गई एक्सरे एप्लीकेशंस के बारे में। आशा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी समझ सके एक्सरे क्या है, एक्सरे के एप्लीकेशंस क्या है। तो दोस्तों अभी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। ये वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, क्या पता किसी को ये वीडियो से फायदा हो जाए। तो दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।